प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज के इस खास शो में हम नजर डालेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली की शक्ल अगले 5 साल में किस तरह बदल सकती है। ये तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आज क्या क्या है खास। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बाद क्या दिल्ली बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी। दिल्ली में आवास की समस्याएं निपटाने के लिए क्या है आम आदमी पार्टी की योजनाएं। 20,000 लीटर प्रति महीना मुफ्त पानी और बिजली में 50% की कटौती को लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा, और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना और दिल्ली के नगर निगमों के साथ तालमेल करना क्या होगा आसान। दिल्ली क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हो गई है। अब हर दिल्लीवासी की नज़र है उसके काम पर। क्या वो अपने किए वादे पूरे कर पाएगी। आपके कुछ अहम वादे हैं, दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, बिजली आधे दामों पर, हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज, 50,000 पब्लिक शौचालय। लिस्ट बहुत लंबी है, हम पूरी यहाँ पर गिना नहीं सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट को हम यहाँ पर मुद्दा ज़रूर बना रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं आपके, साथ ही हैं सुधीर वोहरा, जो कि आर्किटेक्ट हैं और अर्बन प्लानर हैं, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कुमार, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग JLL इंडिया के। आप सबका स्वागत है। हमने ये जो पैनल है ये काफ़ी मिक्स्ड पैनल बनाया है ताकि हर तरह के लोग यहाँ हों और हर तरह का यहाँ ओपिनियन और राय ली जा सके। तो संजय सिंह, आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी पार्टी अब दिल्ली की सरकार में है, तो सबसे पहले सवाल आप ही से। आप लोगों में काफ़ी आत्मविश्वास था कि आप लोगों को पूर्ण बहुमत मिलेगा और आप सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस था तो आप लोगों ने प्लानिंग भी शुरू कर ही दी होगी कि आखिर दिल्ली के लिए क्या करने वाले हैं। तो दिल्ली के लिए जो सबसे पहला मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा आपके लिए रहेगा, जिसे आप पूरा करना चाहेंगे, वो आप पार्टी का क्या है। पहली बात तो ये कि लगातार ये एक चर्चा चल रही है कि हम अपने किए गए वादों को पूरा कैसे करेंगे। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने ये सारे मुद्दे सीधे शामिल नहीं किए अपने घोषणा पत्र में। इसके लिए हमने डेली डायलॉग चलाया, जिसमें हमारे आशीष खेतान जी उस कमेटी को हेड कर रहे थे, और अलग अलग सेक्शन के साथ हमने बातचीत की, उनके मुद्दे को उठाया और जो ज़रूरतें थी उसको हमने घोषणा पत्र में शामिल किया। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 5 साल के लिए है। कुछ बातें हैं जिसको हमें तात्कालिक रूप से पूरा करना पड़ेगा, जैसे आपने बिजली की बात कही, पानी की बात कही और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही। इन सारे मुद्दों पर हमने जो फैसले लिए हैं उसको तत्काल काम करने का प्रयास हम लोग शुरू करेंगे। बिजली का दाम आधा करना इसलिए मुश्किल नहीं है कि अगर आपको याद हो कि जब निजी कंपनियां दिल्ली के अंदर लाई गईं तो उसमें क्या दलील दी गई। यही कहा गया कि ये कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम करेंगी, और जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस कम होता जाएगा वैसे वैसे बिजली का दाम कम होता जाएगा। जब ये कंपनियां आई, निजी कंपनियां, उस समय 55% डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉस था दिल्ली में बिजली का, आज घट के 15% हो गया है। यानी 40% जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का लॉस कम हुआ उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था, बिल्कुल नहीं मिला। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बिजली कंपनियां अपने अकाउंट्स में तमाम तरीके की हेरा फेरी करती हैं, जो 2010 में ब्रजेंद्र सिंह ने उस चीज़ को पकड़ा भी था जो DERC के चेयरमैन थे। तो मुझे लगता है बिजली का दाम आधा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत में ज़रूर हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन जब हम CAG की ऑडिट करा लेंगे तो जायज़ तौर पे दिल्ली में बिजली का दाम आधा किया जा सकता है। दूसरा, पानी मुफ्त करना 20 किलो लीटर, ये कोई इतना खर्चे का काम नहीं है जिसको सरकार नहीं पूरा कर सकती है। टोटल जो बजट आएगा बिजली और पानी
का जो वादा हमने किया उसको पूरा करने के लिए, वो 1000 करोड़ के या 1500 करोड़ के आसपास आएगा पूरे साल का, जो बहुत मुश्किल का काम नहीं है, मैं ये कहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार मादा रखती है ये सब काम करने में। सुधीर साहब, आपके पास आना चाहेंगे, आपने दिल्ली सरकार के साथ काफी काम किया है, दिल्ली में क्या दिक्कतें हैं, दिल्ली की क्या प्रॉब्लम्स है, एज अ सिटी, एज अ टाउन प्लानर आप समझते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इतना आसान वाकई में दिल्ली की दिक्कतों को हल करना है जितना यहाँ संजय जी कह रहे हैं? हाँ, इतना मुश्किल नहीं है जितना बनाया जाता है। दिल्ली का बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ठीक है और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए काफ़ी जगह भी है। इट इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये सिर्फ इन लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है। हाँ, ये डीडीए और क्योंकि लैंड इनके हाथ में अभी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, ये एक तरह का बाधा होगा। पर अगर ये अब जो सुनने में आया है कि पुलिस एज वेल एज लैंड एंड डीडीए एंड टाउन प्लानिंग और प्लानिंग के अब स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगी, तो इतना मुश्किल नहीं है काम करना। इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क एट ऑल। जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो मुद्दा अभी उठ गया है, सुधीर साहब ने जो बात उठाई है वो शायद आपके लिए सबसे अहम मुद्दा होगा, वो है कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में ही नहीं, आपके काबू में नहीं है, क्योंकि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ इस राज्य को। तो मनीष, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से संजय जी से पूछना चाहूँगी कि आपने पूर्ण राज्य के मुद्दे को नहीं उस तात्कालीन बात मुद्दे में उठाया। मैं बोलता हूँ इस पर। देखिए, जो दिल्ली की बात अगर आप करें, दिल्ली में बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो हमारे अंडर में आते हैं, सीधे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे हेल्थ है, जैसे सप्लाई डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, सारे डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं। और आप देख लीजिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम रिश्वतखोरी कम करेंगे, आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदमी किस बात से परेशान है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए है कि छोटे छोटे कामों के लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है, हजारों लाखों में उसको रिश्वत देनी पड़ती है। तो रिश्वतखोरी पे हम रोक लगा के एक तत्काल फ़ायदा पहुंचाएंगे। जो पूर्ण राज्य स्टेटहुड की बात आपने कही, उसके लिए आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री की शपथ तक नहीं लिया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मिल के अपनी मांग कर चुके, गृहमंत्री जी से मिलकर अपनी मांग कर चुके, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी से मिलकर मांग कर चुके, और हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम राज्यों को मजबूत करने में यकीन रखते हैं, राज्य मजबूत होगा तो केंद्र मजबूत होगा, संघीय ढांचे में उनका यकीन है, ऐसा उन्होंने कहा है, तो हम उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के पास भी जितने विभाग हैं उसके माध्यम से भी हम एक बड़ी राहत दिल्ली के लोगों को दे सकते हैं। चलिए मनीष, यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको लैंड चाहिए, तो मास्टर प्लान में जो इंस्टीट्यूशन वाला एरिया है आप वहीं जाके खोल सकते हैं। कुछ भी चेंज, बदलाव दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, जितना है उतने में ही कर सकते। आपको क्या लगता है, क्या जब तक ये पूर्ण राज्य का मुद्दा नहीं सुलझ जाता है आप अपने वादे पूरा कर पाएगी? जी, हमने ये देखा है कि दिल्ली में डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए दो अथॉरिटीज़ जिम्मेवार हैं। पहली है डीडीए, जो मास्टर प्लान बनाती है और पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करती है। दूसरी है एमसीडी और एनडीएमसी, जो पूरा मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का को बेहतर करने में सहायता करती है। इन दोनों का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और एनी विच वे, अगर हम बात करें कि दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बना पाएंगे या नहीं, तो इन दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर हमें रेजिडेंशियल बनाना है या कमर्शियल बनाना है या इवन स्कूल भी बनाना है, तो उसके लिए मास्टर प्लान में प्रोविजनिंग की ज़रूरत है, और मास्टर प्लान के हिसाब से ही डेवलपमेंट हो सकती है, जो डीडीए करता है। तो इसके लिए सेंटर के साथ सपोर्ट और सेंटर के साथ सहयोग की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जी सुधीर, आप क्या मानते हैं कि कितना ज़रूरी है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी जो आप अगर नई सरकार बना रही है उसको सपोर्ट देना, और ख़ास तौर पे दिल्ली को अगर हम एक शहर के तौर पर देखते हैं, उसके विकास के तौर पर देखते हैं, आप कितना ज़रूरी मानते हैं? थोड़ी सी चीज़ें जो आप संजय सिंह कह रहे हैं वो सही हैं, पर उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने स्कूल्स की बात करी, एमसीडी स्कूल्स ऑलरेडी इनके पास हैं, म्यूनसिपैलिटी के स्कूल्स हैं, और उनकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत स्कोप है।
इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स, एमसीडी स्कूल्स वगैरह ठीक से नहीं चल रहे। नए खोलने के लिए हाँ इनकी बात सही है कि हम इनको सहयोग चाहिए होगा डीडीए का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर पुराने कामों के अंदर रीडेवलपमेंट करने के अंदर, रिपेयर करने के अंदर अभी तक उतना वेट करने के, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। सो इंस्टेंसली इनके पास दिल्ली जल बोर्ड भी इनके नीचे है, सो वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट डज नॉट हैव टू गो बैक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो कई एरियाज हैं जहां पर इनको स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप, और पहले स्टार्ट हुए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के बगैर काफी काम हुआ है। एनडीएमसी के एरिया में जो नगर पालिका स्कूल इम्प्रूवमेंट हुई है वो एक एग्जाम्पल है। कनॉट प्लेस की रीडेवलपमेंट हुई है, उस तरह की रीडेवलपमेंट बहुत सारे कमर्शियल एरियाज की मांग है, वो इनके पास अपने आप अभी है सारा कुछ अपने हाथ में। लैंड और प्लानिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मानते हैं, और जब तक वो आता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और मेरा मानना है कि वो आएगा किसी न किसी टाइम, क्योंकि ये 1956 का पुराना 60 साल पुराना लॉ है डीडीए एक्ट जो है, जब तक वो आता नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि ये और काम नहीं कर सकते, और भी बहुत काम करने के लिए है, स्टार्ट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये बात, सो दे हैव टू डेमोंस्ट्रेट दैट दे कैन डू विद द एग्जिस्टिंग पावर्स। जी बिल्कुल, तो बहुत काम है, व्हाइल दे गेट मोर पावर लेटर ऑन। हाँ बिल्कुल, बहुत काम करने के लिए है। संजय, स्कूल का मुद्दा उठ रहा है तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि 500 स्कूल मेरे ख्याल से आप लोगों ने कहे हैं, 500 स्कूल 5 साल में खोलना, और वो भी नए स्कूल, पहला तो आपको लगता है कि ज़रूरी है क्या, और दूसरा ये कर पाना, इसके लिए वक्त और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, दिल्ली में मैं पिछले 3 सालों से रह रहा हूँ और जगह जगह कई इलाकों में मैं गया हूँ। दिल्ली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ख़ास तौर से आउटर दिल्ली का इलाका, गांव का इलाका, नजफगढ़ का इलाका, मुंडका का इलाका, नरेला का इलाका, बवाना का इलाका, उन इलाकों में, छतरपुर का इलाका, उन इलाकों में आप जाएंगे स्कूल्स की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ये जो पूरी प्लानिंग बनाई गई है 5 साल में 500 स्कूल खोलने की, वो उसको देखते हुए बनाई गई है। झुग्गियों के इलाके में बच्चों के सामने दिक्कतें हैं, तो एजुकेशन हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा लोगों को शिक्षित करने पे, उनको एजुकेट करने पे, बच्चों को खर्च किया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल है, इसमें निश्चित तौर पे हमको लैंड की ज़रूरत होगी, लेकिन जब हम स्वराज की आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग आप देखिएगा अपनी लैंड देने के लिए भी आगे आएंगे अगर सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी तो। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार का सहयोग मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसमें भी लोगों की मदद लेके भी हम स्कूल बनाएंगे। और जो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सुधीर जी ने, हमारे पास जो स्कूल हैं उसको हम बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो तो तत्काल हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। तो ये स्कूल जो हैं ये राजकीय स्कूल या एमसीडी निगम के स्कूल होंगे? हाँ बिल्कुल, वो हैं और काफ़ी संख्या में हैं, और उनकी हालत काफ़ी गड़बड़ है। ये जब पिछली बार मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने जाके कई स्कूलों का डायरेक्ट विजिट भी किया था, वहाँ हालत देखी थी, बहुत सारी दिक्कतें हैं वहाँ बच्चों के सामने। तो उस समय जितना हम कर पाए थे किए थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं था, अब क्योंकि समय मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। मनीष, यहाँ पर अगर स्कूल ही देख लें तो निगम के जो स्कूल हैं उनमें एमसीडी का कंट्रोल भी चलता है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हम एमसीडी जो कि ऑलरेडी 3 हिस्सों में है, उसके अलावा एनडीएमसी भी है, हमारे तो दिल्ली कैंट भी है, तो इतने सारे बोर्ड, इतने सारे निगम, ये सब मिलकर के जिन हर किसी में अलग पार्टी का कंट्रोल जब चलता है, तो आपको क्या लगता है कि वो तालमेल देखने को मिल पाएगा? नहीं देखिए, अगर अगर एग्जिस्टिंग स्कूल को रीडेवलप या बेटर बनाने की बात है तो वो करा जा सकता है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जैसे संजय जी ने कहा कि उसके ऊपर फोकस रहेगा, तो मेरे ख्याल से वो एक करने वाली चीज़ है और जो शुरू में करी जा सकती है। तालमेल बनाना एनी विच वे वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, अलग अलग नगर निगम, अलग अलग निगम हैं, तो तालमेल बनाने की ज़रूरत रहेगी, पर ऐसा नहीं है कि करा नहीं जा सकता, करने वाली चीज़ है। जी चलिए, एक अलग मुद्दा अब उठाते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए थे, उनमें से एक मुद्दा है यमुना की क्लीनिंग का भी,
तो यमुना को साफ करने का मुद्दा हर पार्टी उठाती है, लेकिन आज तक यमुना में कोई सफाई हमें देखने को नहीं मिली है। तो संजय जी, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लान किया? देखिए, उसमें मैं कोई बड़ी बात यहाँ बैठ के करूँ उसका कोई मतलब नहीं है। यमुना की सफाई में ये केवल सरकार के स्तर पे काम संभव नहीं है, बहुत साफ बता दें आपको। जब तक इसमें आप पब्लिक की पार्टिसिपेशन नहीं लेंगी, जब तक आप इस पे जनता का सहयोग नहीं लेंगे, यमुना को या देश की किसी भी नदी को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार का, हम लोगों की सरकार का जो 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 उसकी प्राथमिकता होगी, उसमें हम ये भी कहेंगे कि इसमें लोगों का सहयोग हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे। सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो सकता है वो होगा, लेकिन वो अभी तक जो हुआ है उस तरह से तो करने का कोई मतलब नहीं है। बड़ी बड़ी बजट आए यमुना को साफ करने के लिए, उस बजट का कहाँ इस्तेमाल हुआ कुछ पता नहीं। ये ज़रूर है कि जो बजट हम यमुना की सफाई के लिए लगाएंगे वो पूरी ईमानदारी से उसका खर्च करेंगे और उसको साफ करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन बगैर जनता के सहयोग के यमुना की सफाई का काम इतना आसान नहीं है जिस बड़े पैमाने पर यमुना को प्रदूषित कर दिया गया है। जी, और स्वच्छता की बात हो रही है तो यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स की का भी मुद्दा उठा देते हैं। 50,000 पब्लिक टॉयलेट स्पेसेस और करीब 1.5 लाख टॉयलेट स्लम्स में आपने बनाने की बात कही है। सुधीर जी, दिल्ली में पब्लिक लूज की कमी को तो हम, पब्लिक टॉयलेट्स की कमी को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। एज ए टाउन प्लानर, ये दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने से कैसे रोकता है? रोकता तो है, क्योंकि अगर वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं है तो फिर वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बोल सकते हैं। पर मैंने ये कहना चाहता हूँ कि जमीन है इनके लिए फैसिलिटीज बनाने के लिए स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग करके और जगह ढूंढ के जहाँ पर इनको होना चाहिए वहाँ हो सकते हैं, बन सकते हैं। ये खान मार्केट फॉर इंस्टेंस, खान मार्केट के अंदर 9 पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा। उन सब पे ऐड लगे हुए होंगे इसलिए दिखते ही नहीं है। पब्लिक टॉयलेट है, वो ऐड लगे हुए हैं पर यूज तो होते हैं, थोड़ा यूज होते हैं, जितना ज्यादा नहीं, जितना होना चाहिए वो शायद नहीं होते हैं, पर है, जगह तो है ना उनके लिए बनाने के लिए, और वो बने भी हुए हैं। वो यूज करना वो दूसरी बात है, अगर वो साफ सुथरे रहेंगे और लोगों को आदत पड़ जाएगी यूज करना तो फिर यूज भी हो जाएंगे। तो देट नीड्स ऑल्सो अ टोटल कल्चरल चेंज, पर प्लानिंग वाइज जगह है हमारे पास, और अगर इनके पास विल है तो ये काम बड़े आराम से हो सकता है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जी मनीष, इन सब चीज़ों में जब आपको ये सिविक चेंजेस लाने होते हैं उसके लिए मेरे ख्याल से 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपको जो प्लानिंग है उसमें डिज़ाइन कैसा है ताकि लोग उसको खास करके अर्बन सेटिंग में, शहरों में आकर के इस्तेमाल करना पसंद करें सिविक फैसिलिटी को, सफाई होनी उसकी ज़रूरी होती है, साथ ही वो इस तरह का होना चाहिए कि वो सेल्फ सस्टेनिंग भी हो, जैसे रेवेन्यू मॉडल भी उसका सही हो। तो आप क्या मानते हैं कि दिल्ली में इस तरह का प्लानिंग लाने के लिए आप पार्टी की सरकार को किस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी? हम बात यहाँ पे टॉयलेट जैसी चीज़ की कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये। मैं आपसे यही कहने लगा था जब आपने कहा कि उनके ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं या बैनर लगे होते हैं, पर मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो ऐड के लिए बनाए गए हैं या लोगों के जाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। आपके सवाल का जवाब यही है कि वो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाने के लिए बनाए गए हैं। वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन का अप्रोच है जिससे कि जो ऐड का रेवेन्यू आता है उससे उसका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है, विच इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। और ऐड करने से जो रेवेन्यू आता है उसको आप अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज करो तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। और जैसा कि खान मार्केट में हमने देखा है, आप जाके देखें, बहुत अच्छे टॉयलेट हैं और लोग यूज़ भी करते होंगे मेरे हिसाब से। तो इट्स ए सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जो हमें बनाने की ज़रूरत है। ऐसे ही और जगहों के ऊपर जो और जैसे स्कूल्स हो गए या जैसे रिवर बैंक डेवलपमेंट वगैरह हैं उसके लिए भी ऐसे कुछ मॉडल प्राइवेटाइजेशन अगर लेके आए तो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करी जा सकती है। तो संजय जी, आप लोग ओपन हैं इस पूरे आइडिया की तरफ कि प्राइवेट से भी कुछ लोग आएँ, डिज़ाइन आइडियाज़ दें, कुछ कॉन्सेप्ट्स दें ताकि आप लोग दिल्ली में बदलाव ला सकें? बिल्कुल, उसके लिए तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायकों को 4 करोड़ रुपए का फंड मिला था, आप देखिए उसका हमने कैसे इस्तेमाल किया। पब्लिक के बीच में जाते थे, स्वराज के तहत उनके साथ मोहल्ला सभा की मीटिंग करते थे और जो उनका प्रस्ताव आता था वही काम
हमारे विधायकों ने किया पिछले 8 महीने के अंदर, लेकिन दिल्ली में अगर आप टॉयलेट्स की प्रॉब्लम को देखें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप पटेल नगर के इलाके में जाएं, विकासपुरी के इलाके में जाएं, दिल्ली के बुरारी के इलाके में चली जाएं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे माताओं बहनों को खुले आसमान के नीचे टॉयलेट जाना पड़ता है और कई बार वो अपराध का शिकार होती हैं, कई बार उनके साथ तमाम तरीके की घटनाएँ होती हैं जो हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि किस तरह से वहाँ घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों। तो दिल्ली के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है ये, और उसको टॉयलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा उन इलाकों में जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और वो हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है। अब ये 50,000 का टारगेट हम कब तक पूरा कर पाएंगे ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उसको करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, उसको पूरा करने के प्रति पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं। चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो जानना चाहेंगे कि आखिर अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर के आपकी सरकार क्या प्लान बना रही है और किस तरह से उस प्लान को क्रियान्वित करेगी।